गाइस आपने फिलहाल में कुछ चैनलों को देखा होगा कि उनको यूट्यूब पर आए सीधा से एक महीने भी नहीं हुए हैं और वो सिर्फ शॉर्ट्स वीडियो बनाकर रातों रात वायरल हो गए हैं। और वायरल की बात ही छोड़ो, उनकी वीडियो ट्रेंडिंग पर चली जा रही है। ये सब देखने के बाद आपके अंदर भी ज्वाला उठ रही होगी कि मैं भी उनके जैसा शॉर्ट्स वीडियो बनाऊंगा और रातों रात स्टार बन जाऊंगा। लेकिन थोड़ा ठहरिए, अगर आपको उनके जैसा बनना है तो सबसे पहले उनके कुछ सीक्रेट के बारे में जानना होगा जो भी लोग अपने वीडियो में इस्तेमाल करते हैं। आज मैं आपको 5 ऐसे सीक्रेट और एडिटिंग के बारे में बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपको भी YouTube पर वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो पहला सीक्रेट है कि वो फैक्ट्स कहां से लाते हैं, और दूसरा स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं, तीसरा वॉइस ओवर एंड वॉइस एडिटिंग कैसे करते हैं, चौथा नो कॉपीराइट वीडियो और इमेज कहां से लाते हैं, और पांचवा वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं। तो ये 5 सीक्रेट को मैं आपको प्रैक्टिकली डिटेल के साथ सिखाने वाला हूँ, तो कुछ पाना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट तब करना जब आपको ये वीडियो अच्छा लगे। तो चलिए प्यारा सा वीडियो शुरू करते हैं। बाकी के सीक्रेट के बारे में बताने से पहले आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ कि आखिर फैक्ट्स क्या होता है, फैक्ट्स का मतलब क्या है? तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें फैक्ट्स का मतलब मालूम ही नहीं है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फैक्ट्स का मतलब क्या होता है। अगर आपने किसी बड़े फैक्ट यूट्यूबर की वीडियो देखे होंगे तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि वे लोग अपने वीडियो में किसी भी सब्जेक्ट या घटनाओं का सच्चाई, हकीकत, असलियत बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस वीडियो को देख लीजिए, इनका टॉपिक है कि आखिर ब्लेड्स एक जैसे क्यों होती हैं। तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो ये ब्लेड्स का सच्चाई बता रहे हैं कि हाँ, इस कारण से ब्लेड एक जैसी दिखाई देती है। फैक्ट्स का मतलब ये है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट या घटनाओं का सच्चाई, हकीकत, तथ्य, असलियत, वास्तविकता और अवस्था को दिखाना चाहिए। पहला, फैक्ट्स कहाँ से लाए? गाइस, जिस तरह से हमें यूट्यूब या अन्य सोशल नेटवर्क पर जो फैक्ट्स दिखाए जाते हैं, दरअसल वो एक लंबी आर्टिकल होती है। अब वो आर्टिकल हर तरह का हो सकता है, जैसे इतिहास, घटना, न्यूज, आम जीवन, बुक, मतलब किसी भी चीज़ का एक आर्टिकल होता है। फॉर एग्जाम्पल, इस ब्लेड वाले वीडियो को ही देख लीजिए, अगर आप इस टॉपिक को डायरेक्ट ही गूगल पर सर्च करेंगे तो इसका कोई रिजल्ट नहीं दिखाई देगा। लेकिन आप कहोगे जब इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो आखिर ये बंदा ये इन्फॉर्मेशन लाया कहाँ से? गाइस, यही मेन पॉइंट है जिसे हर शख्स को जानना चाहिए। तो देखिए क्या होता है, जब भी आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड गूगल पर सर्च करते हो, फॉर एग्जाम्पल हमें इस ब्लेड वाले टॉपिक के बारे में जानना है तो मैंने ब्लेड लिख दिया। अब इसके बाद लास्ट में हमें इतिहास लिखना है, क्योंकि हमें सबसे पहले अपने टॉपिक का इतिहास जानना चाहिए कि उसका हिस्ट्री क्या था, उसको बनाने में कितना समय और कौन कौन से तकनीकें इस्तेमाल की गई थी। और जब आप पूरा इतिहास पढ़ लेंगे तो आपको उसमें से जो भी इंटरेस्टिंग घटनाएं होगी उनको समरी में लिखकर फैक्ट बनाया जाता है। इसको हम स्क्रिप्टिंग वाले पॉइंट में डिटेल्स में समझेंगे। तो अब चलिए अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। आप जब भी किसी फैक्ट्स या यूट्यूब चैनल को देखते हो तो आपके मन में एक सवाल आता होगा कि वे लोग इतने अच्छे फैक्ट्स कहाँ से लाते हैं। तो गाइस, चलिए आज इस सीक्रेट के बारे में जान लेते हैं। मेरे हिसाब से फैक्ट्स 4 तरह के होते हैं, लाइव फैक्ट्स, ट्रेंडिंग फैक्ट्स, थिंकिंग फैक्ट्स और चौथा ओल्ड फैक्ट। अब ये चारों फैक्ट्स क्या है, कब कैसे है, इसे ढूंढना है और कब इसे इस्तेमाल करना है, आइए विस्तार से जानते हैं। लाइव फैक्ट्स का मतलब ये है कि अगर कहीं पर भी अचानक से कोई ऐसा न्यूज या घटनाएं निकल के आता है जिसे हमें लगता है कि हाँ, इस घटना पर एक फैक्ट बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आपने रोनाल्डो और कोका कोला वाली वीडियो देखी होगी जिसमें रोनाल्डो ने कैमरा के सामने से कोका कोला की बोतल हटा दिया था। तो ये घटना लाइव हुई थी, मतलब तुरंत हुई थी, और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी था। अभी तक इसके बारे में ज़्यादा लोगों को मालूम भी नहीं था। तो अगर आप ऐसे घटनाओं पर फैक्ट्स वीडियो बनाओगे तो लोग ज़्यादा दिलचस्पी से देखेंगे। तो ऐसे घटनाओं को लाइव फैक्ट्स कहते हैं।
तो अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ऐसी घटनाओं को हम कैसे पता करें। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ तरीके बताने वाला हूँ जिनसे आप लाइव फैक्ट्स जान सकते हैं। पहला, इंटरनेशनल न्यूज। हाँ, आपको दुनिया के सारे अलग अलग देश के न्यूज को पढ़ना होगा और उनमें से जो भी इंटरेस्टिंग न्यूज लगे उसे फटाक से उठा लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको जिस देश का न्यूज वेबसाइट जानना है उसे सर्च बार में लिखना है। जैसे मैं यहाँ पर इंटरनेशनल न्यूज लिख दे रहा हूँ तो दुनिया के जितने भी न्यूज वेबसाइट होंगे वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ से कोई एक वेबसाइट को ओपन करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं वर्ल्ड बीबीसी न्यूज ओपन कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर भी आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि हमें दूसरे देश की भाषा नहीं आती है, यहाँ तक कि हमें इंग्लिश तक नहीं पढ़ने आती है, तो हम दूसरे देश की न्यूज कैसे पढ़ पाएंगे। तो गाइस, इसका भी एक सोल्यूशन है। आपको नीचे ही गूगल ट्रांसलेट का ऑप्शन मिल जाएगा जिससे आप किसी भी भाषा को अपने लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये न्यूज इंग्लिश में है तो इसे हिंदी में ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ। इस वेबसाइट की एक खासियत बता दूं कि इसमें हर मिनट पर दुनिया में घटित खबरें पोस्ट की जाती है। अब इसमें जो भी न्यूज इंटरेस्टिंग लगे तो उसका समरी करके, मतलब उसके मेन पॉइंट को फैक्ट बना देना है। इसके बाद आप स्पेस से रिलेटेड वेबसाइट पर भी जा सकते हैं या इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फेमस लोगों की आईडी को फॉलो कर ले ताकि जब भी कोई इंटरेस्टिंग न्यूज निकले तो फटाक से फैक्ट बना देना है। दूसरा, ट्रेंडिंग फैक्ट्स। दोस्तों, दुनिया में हर रोज कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग घटनाएं वायरल होती ही रहती है, क्योंकि एक तो एक नई होती है और ऊपर से इंटरेस्टिंग भी होती है, और ऐसी घटनाओं को लोग बहुत ही दिलचस्पी से देखते हैं। और हाँ, यही मौका होता है YouTube पर वायरल होने का। तो आपको इसी मौका का फायदा उठाना है और जितना जल्दी हो सके आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वीडियो बना डालना है। सो ट्रेंडिंग टॉपिक्स को ढूंढना बहुत ही आसान है। अगर वेबसाइट की बात करूं तो इसमें पोस्ट के नीचे ही होती है। और हाँ, इन सभी वेबसाइट को फॉलो कर लें ताकि जब भी कोई नई न्यूज पोस्ट हो तो आपको जानकारी मिलती रहेगी। ट्विटर की बात करूं तो ट्रेंडिंग पेज सर्च बार में देख सकते हैं, और इंस्टाग्राम में भी सेम वही बात है, सर्च के बार में देख सकते हैं। इसके अलावा और भी सोशल साइट और ऐप है, वहां से भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स देख सकते हैं। तीसरा, थिंकिंग फैक्ट। अगर आपको अपने फैक्ट को और भी तेजी से वायरल करना है तो आपको खुद से फैक्ट बनाना होगा। खुद से फैक्ट बनाने का मतलब ये नहीं कि आप कोई भी मनगढ़ंत कहानी बनाएं। आप अपने दिमाग में सोचें कि लोगों से जुड़ी ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको लोग रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं या देखते हैं लेकिन उसके बारे में नहीं जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये वाली वीडियो देखी होगी, बिस्कुट में छेद क्यों होते हैं। बिस्कुट हर इंसान खाता है लेकिन कभी भी उसके छेद के बारे में नहीं सोचा होगा। तो अगर ये वीडियो किसी शख्स के पास जाएगी या आपके पास ही जाएगी तो मैं फुल गारंटी देता हूँ कि आप इस फैक्ट को जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आप इस चीज से कनेक्टेड हो। अक्सर लोग जिस चीज से ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं तो उससे रिलेटेड फैक्ट ज्यादा जानना पसंद करते हैं। तो आपको लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीजों को सोचना है और फट से उस पे फैक्ट बना देना है। अब आपने कोई एक टॉपिक सोच लिया है तो अब आपको इसे हर जगह सर्च करना है। तो सबसे पहले गूगल में अपने सोचे हुए टॉपिक का डायरेक्ट नेम लिखकर सर्च करें। अब टॉपिक से रिलेटेड जो भी वेबसाइट होंगे उसे आपको ओपन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फैक्टेक्स भाई हैं वो बिस्कुट वाला फैक्ट इसी वेबसाइट से लिए हैं, क्योंकि ये आर्टिकल 2018 में ही पोस्ट की गई थी। तो ये देखकर अब आपका दिमाग खुल गया होगा कि बड़े यूट्यूबर ऐसे फैक्ट खोजते हैं। और हाँ, यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपको कभी भी किसी एक वेबसाइट पर भरोसा नहीं करना है। आपको और दो या तीन वेबसाइट पर जाकर देखना होगा और वेरीफाई करना होगा। अगर सब में एक ही जानकारी बताई गई है तो आप पूरी तरह से तैयार हो फैक्ट्स बनाने के लिए।
चौथा ओल्ड फैट्स, अब आपको गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने हैं। मतलब दुनिया में जितने भी पुराने तथ्य हैं उन पर आपको रिसर्च करना है, जैसे आपको दुनिया के हर एक रहस्य और आविष्कार की हुई चीज़ों को सोचना है। जैसे मोबाइल का आविष्कार कैसे हुआ था, इसे बनाने में कौन कौन से दिक्कतें आई थी। मतलब हम अभी वर्तमान में जो चीज़ों को आसानी से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वही चीज़ जब दुनिया में नहीं था तो उस समय दुनिया के लोग कैसे रहते होंगे, कैसे बातें करते होंगे। तो अगर आप ऐसे फैक्ट बनाओगे तो लोग आपकी वीडियो को ज़्यादा दिलचस्पी से देखेंगे, क्योंकि हर कोई पुराने तथ्य को जानना पसंद करता है। तो सबसे पहले कोई एक इंटरेस्टिंग सा आइडिया सोचना है, जिसमें आपको लगे कि हाँ ऐसे फैक्ट बनाऊंगा तो लोग देखना पसंद करेंगे। फिर गूगल में जाकर उस टॉपिक का नेम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मोबाइल के आविष्कार के बारे में जानना है तो मैं मोबाइल लिख दे रहा हूँ। अब देखिए, लास्ट में आप दो चीज लिख सकते हैं, एक विकिपीडिया इन हिंदी, या दूसरा चाहे तो आप इतिहास भी लिख सकते हैं। तो मैं विकिपीडिया लिख दे रहा हूँ। अब ऊपर ही सर्च की हुई विकिपीडिया पेज आ जाएगी, जिसे ओपन करके इसकी इतिहास पढ़ सकते हैं, और उसमें से जो भी चीज इंटरेस्टिंग लगे उसे फट से फैक्ट बना देना है। दूसरा, स्क्रिप्टिंग कैसे करें। अब आपने रिसर्च करके कोई अच्छा सा फैक्ट ढूंढ लिया है तो अब बारी आती है उसकी स्क्रिप्टिंग लिखने की। तो शुरुआत में आप दो तरह से स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, पहला कॉपी बुक में और दूसरा मोबाइल में। मोबाइल के लिए डब स्क्रिप्ट नाम का एक ऐप आता है, जिसमें आसानी से अपनी स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मोबाइल पर इच्छुक नहीं हैं तो आप किसी कॉपी बुक पर अपनी स्क्रिप्टिंग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कुछ दिन पहले एक शॉर्ट्स वीडियो बनाया था, जिसमें दुनिया का पहला कार्टून के बारे में बताया था। तो मैं उसी स्क्रिप्ट के अनुसार आपको स्क्रिप्टिंग करना सिखाऊंगा, लेकिन उसकी स्क्रिप्टिंग देखने से पहले आप उस वीडियो को देख ले, ताकि आपको भी पता चले कि मैंने उसे किस तरह से बनाया हुआ है। अब आपने उस वीडियो को देख लिया है, अब चलिए इसका स्क्रिप्टिंग देखते हैं। तो आप ये देखकर चकित हो गए होंगे कि जैसा इस स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ठीक इसी तरह मैंने वीडियो में बोला हुआ है। तो ये मेथड कोई नहीं बताता है, याद रखना। लेकिन आप लोग मेरे परिवार की तरह हो, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आप किसी भी जानकारी से अछूते रहें। तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लें। सो सबसे पहले आपको किसी भी आर्टिकल को समरी में लिखना होगा, मतलब आर्टिकल में जो मेन घटनाएं होती हैं या आपको उनमें से जो चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती है, उन सभी जानकारी को एक साथ जोड़कर संक्षेप में लिखना होता है। और हाँ, एक और बात, आपकी स्क्रिप्ट 60 सेकेंड के अंदर में होनी चाहिए, जैसे मैंने अपनी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। तो अब चलिए स्क्रिप्ट लिखने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्क्रिप्ट लिखने का एक स्ट्रक्चर डिजाइन किया हुआ है, जिसके मदद से आप आसानी से स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो स्क्रिप्टिंग की शुरुआत एक्ट वन से होती है, जिसमें आपको अपने फैक्ट का इंट्रोडक्शन देना होता है, परिचय देना होता है, जैसे मैंने अपने स्क्रिप्ट में दिया हुआ है, लिखा हुआ है। अब आपको एक्ट टू को फॉलो करना है, इसमें फैक्ट को सस्पेंस बनाना है, ताकि लोगों के अंदर इस फैक्ट को जानने की इच्छा क्रिएट हो, जैसे मैंने अपने स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। जब आप फैक्ट में सस्पेंस क्रिएट करेंगे तो देखने वाले बंदे के अंदर इस फैक्ट को जानने की इच्छा पैदा होगी, और आपकी वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखेगा। और अब लास्ट बारी आती है एक्ट थ्री का। ये एक्ट वीडियो के लास्ट में लगती है, जिसमें आपको अपने फैक्ट का समाधान करना होता है, मतलब आप जो फैक्ट बताना चाहते हैं वो वीडियो के लास्ट में बता दें, ताकि दर्शक आपके वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, लास्ट तक बने रहें, जैसे मैंने अपने स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। तीसरा, वॉइस ओवर एंड एडिटिंग। जब आप स्क्रिप्टिंग कर लेंगे तो अब बारी आती है वॉइस ओवर की। तो यहाँ पर आप दो तरह से वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, पहला मोबाइल से और दूसरा माइक से। अगर आप कम बजट का माइक लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से परचेज कर सकते हैं। तो अब आपको काइन मास्टर को ओपन कर लेना है।
यहाँ से 9x16 रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। अब टाइमलाइन में कोई कलर का बैकग्राउंड ऐड कर देना है। अब बैकग्राउंड को 1 मिनट से ज़्यादा बड़ा कर देना है। अब वॉइस ओवर करने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना है। पहला, आपको 60 सेकंड की वीडियो बनानी है तो आपको थोड़ा फास्ट बोलना होगा। दूसरा, वॉइस ओवर करने से पहले स्क्रिप्ट को 1 या 2 बार बोल के रिहर्सल कर लें। अब चलिए वॉइस ओवर करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने स्क्रिप्ट को अपने सामने रख ले और जो उसमें लिखा हुआ है उसी को बोलेंगे। तो यहाँ पर वॉइस ओवर का ऑप्शन पे क्लिक करके वॉइस को रिकॉर्ड करना शुरू करें। चलिए वॉइस ओवर हो गया। अब सभी लेयर का ऑडियो 200% तक बढ़ा देंगे और पीन कर देंगे। फिर इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम करके लेयर को एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आपको अपनी वीडियो को 1 मिनट तक ही बनाना है। तो अगर आपकी वॉइस 1 मिनट से ज़्यादा हो गई है तो वॉइस का एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम कर दें और 1 मिनट के ही अंतराल में अपनी वॉइस रखें। चौथा, नो कॉपीराइट वीडियो और इमेज डाउनलोड वेबसाइट। यहाँ पर मैं 10 वेबसाइट का नाम दिखा दे रहा हूँ जिनसे आप कॉपीराइट फ्री फुटेज और इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जिसको आपको रियल वीडियो और इमेज दिखाना पड़ सकता है। तो पहला कि आप जिस फैक्ट वेबसाइट को रिसर्च कर रहे हैं उसी में इमेज और वीडियो मिल जाती है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फैक्ट की इमेज डायरेक्ट नेम लिखकर आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। पांचवा, वीडियो एडिटिंग। चलिए अब आपने सारे ज़रूरत की चीज़ें तैयार कर ली, अब बारी आती है वीडियो एडिटिंग की। तो सबसे पहले अपने वॉइस को सुने और उसके हिसाब से वीडियो क्लिप या इमेज ऐड करें। अब इसके बाद क्लिप को फ्रेम के हिसाब से एडजस्ट करें। फिर वॉइस को सुने और जहां क्लिप की ज़रूरत ना हो वहां से ट्रिम कर दें। मतलब आप वॉइस के अनुसार वीडियो क्लिप ऐड करें और सेम यही मेथड फॉलो करें। इसके बाद वॉइस के अनुसार टेक्स्ट, इफेक्ट, फिल्टर, पीएनजी, बैकग्राउंड म्यूजिक, मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसे ऐड करके एडिटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर पूरी वीडियो की एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब चलिए इसे प्ले करके देखते हैं। दोस्तों, आपने मोटू पतलू, डोरेमोन, सिंचेन जैसे बहुत से कार्टून देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला कार्टून कौन था? दरअसल मध्ययुग में सबसे पहले फ्रिस्को और टेपेस्ट्री नामक दो ड्राइंग बनाया गया था। फिर इसके बाद 19वीं शताब्दी में ये पत्रिकाओं और न्यूज़पेपरों में हास्य और व्यंग्य चित्र बनाने में उपयोग किए जाने लगे। लेकिन 17 अगस्त 1908 में एमिल कोहली नामक व्यक्ति ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिससे पूरी दुनिया ही हिल गई थी। उन्होंने फैंटास्मगोरी नामक पहला एनिमेटेड कार्टून बना डाला जो बिना साउंड का था। इसे कागज पर 700 चित्रों पर ड्राइंग करके बनाया गया था जो लगभग 1 मिनट 2 सेकंड का था। लेकिन इसके कुछ सालों के बाद कार्टून धीरे धीरे विलुप्त होने लगा। लेकिन तभी 18 नवंबर 1908 में वाल्ट डिज्नी ने एक बड़ा कारनामा कर दिखाया। इसने स्टीमबोट विली, मिकी माउस नामक एक शॉर्ट एनिमेटेड कार्टून बना डाला जो कि दुनिया का पहला ऐसा कार्टून था जिसमें साउंड दिया गया था और ये इतना पॉपुलर हुआ कि कार्टून का। सो गाइस, मैंने आपको फैक्ट बनाने की हर एक डिटेल बता दिया हूँ। अब आपकी बारी है कुछ बनने की, कुछ पाने की। तो जाइए अपने सपने को पूरा कीजिए और दिखा दीजिए कि हम भी किसी से कम नहीं है। और जाते जाते इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, हर सोशल साइट पर शेयर कर दें ताकि दूसरे लोगों को भी मदद मिले। बाकी आपकी मर्जी,
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दे। तो बस अब मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।